प्रति महामुनि वैशंपायन जी कहे राजा जन्मे गए। हाँ। द्वापर के युग में कौरव और पांडव जन्म ले। हाँ। और जन्म ले के बाद में नाना प्रकार के चरित्र कर। सौ भाई कौरव पांचों भैया पांडव हसीना के गली में नाना प्रकार के बाल चरित्र करना शुरू कर। कौरव और पांडव उस समय कुलगुरु कृपाचार्य के पास में शिक्षा प्राप्त करें। भैया कोनो जगह जाए तो एक साथ जाए और कोनो जगह लावे तो एक साथ आवत रही। सुंदर दिन तब अरे भाई सुंदर दिन तब जगल खेल के आए गुरु द्रोह कृपाचार्य से पढ़ के आए तो उच्च आसन में आसीन हुए। अच्छा दुर्योधन सिंहासन में बैठे। हाँ। और पांडव कहीं दुर्योधन के समाज में चल गए तो भैया में बैठे। हाँ जी। राजा दुर्योधन देखे कि पांडव सभा में आवा थे। हाँ। राजा युधिष्ठिरला देखे तहने दुर्योधन चिल्ला के कहे बैठ जी धर्मस्व युधिष्ठिर। हाँ। और राजा दुर्योधन का आवाज सुने तहने अगर राजा धर्मे तब बैठाना लागे भाई बैठे। हाँ। पवन नंदन भीमला पवन नंदन कहे अर्जुन इंद्र सुवन कहे नकुला यशवनी कुमार कहे। हाँ भाई। और सब ले छोटे ला पांडु नंदन सहदेव कहे। हाँ। भैया जब जब वो समाज में बैठे भर जाए तब तब राजा दुर्योधन हा पांच जन बाप के नाम ले। हाँ। और ये बात ला रोज के भीमसेन हा सुने। हाँ। एक दिन की बात है भीमसेन मन में विचार करे। हाँ। देवी जैसे हमारी एक जन महतारी और राजा दुर्योधन हा पांच जन बाप के नाम ले थे। हाँ जी। बोले जात हो ये बात लम्मा कुंतिल पूछी हाँ। हाँ। अब अगर ये बात सही नहीं हो ही, तो उचित के डंडा दुर्योधन ला नहीं देहूं तो भीम कहना छोड़ दो। हाँ। भीम चली सरमन में विचार करे। हाँ। अजी श्याम सुखदाई मोरे हल धर के भाई जा भजना श्याम सुख गाई मोरे हल धर के
में हाँ। महारानी कुंती भीमला देखिस दोनों ठन भुजल पसारिस हाँ। अब भीमला चुम के गोदी में बैठार के पूछे बेटा कैसे आवा था वस। आओ भाई भीमसेन बोले माँ हम जब जब कौरव के समाज में बैठे पर जाथन तब तब राजा दुर्योधन हमर मन के अपमान करते। अरे कुंती पूछे बेटा का कही से हाँ। भीम बताए बोले माँ बड़े भैया ला धर्म सुवन की थे हाँ जी। बोला पवन नंदन की थे अर्जुन ला इंद्र सुवन की थे नकुल ला स्वनी कुमार की थे हाँ। और सबले छोटे ला पांडु नंदन सहदेव की थे दाई बोले कौरव समाज में रोज के हमर अपमान होते हाँ। तो महारानी कुंती कहे का बताओ भीमसेन हाँ। राजा दुर्योधन हम तोला कहे तरह अगर सत्य बातें तोला कहे कुंती बोले बेटा सत्य बातें अगर सत्य बातें तोला कहे जी। भीमसेन पूछे माँ कैसन में हमर पांच जन पिता होइस हाँ। महारानी कुंती बोले बेटा ये इतिहास है जो समय तुम्हें पृथ्वी में जन्म नहीं ले रहे हवा हाँ। बोले जब मैं धर्म के पूजा करूं तोर बड़े भैया जन्म लेस हाँ। पवन के पूजा करूं तय जन्म ले और इंद्र के पूजा करूं तब अर्जुन है जन्म लेस हाँ जी। अश्वनी कुमार के पूजा के बाद नकुल जन्म ली सब सबले छोटे पांडु नंदन है बेटा हाँ। ये बात लो सुनस्ताने भीम उदास हो गए हाँ। भीम के मल्ला कुटत देखिस तब कुंती पूछे कस भीम हाँ। रोज के कौरव समाज में बैठे जाथस तब रोज के दुर्योधन वैसने की थे हाँ भाई। भीम उदास होके बोले माँ हाँ रोज के वैसने की थे हाँ। तब कुंती कहे भीम कल तहू कही देवे हाँ। तो भीम से पूछे माँ मैं काई कही हूँ हाँ। तो कुंती कहे भीमसेन बैठ जी पवन नंदन भीम कह के कहू दुर्योधन कहा थे हाँ। भरे समाज में चिल्ला के कह देवे बैठा थन जी डूमर के पुत्र कह देवे हाँ। हो सकते कही दुर्योधन तोला पूछ दीस मैं हाँ। कैसन में डूमर के बेटा हूँ तते की बेरे मैं तोला का बताऊ जा तोला माँ गंधारी बताही की हाँ। ये बात सुने तो भीम हंस के बोले माँ का कर बेरे हंसा जीव है दूसरे के बस में लोकरंजनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रभा यादव और साथियों के स्वरों में पंडवानी।